Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. और अभी आपने अपना रिवीजन जो है वीकली रिवीजन वो कंप्लीट कर लिया हो. कल आपके पास संडे था, टाइम था, तो ये उम्मीद करती हूँ कि पहले वाला लॉट सेक्शन जो हमने अभी तक कवर किया है दैट यू हैव डन. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आज के लेक्चर के अंदर ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल. विल टॉक अबाउट इट कॉम्प्रिहेंसिवली, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. पहला तो अपना जो है दैट इज अ प्रोजेक्ट. तो अब ये आपके GS पेपर 3 से भी आई वुड से लिंक होता है. क्या ये प्रोजेक्ट है, व्हाई इट इज इन न्यूज, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें आई वुड से ज्योग्राफी के सेक्शन से ज्यादा है ये जुड़ा हुआ. तो मैं इसके कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको चीजें क्लियर करूंगी. तो सिंपल है, क्यों न्यूज में है ये अलसा भंडूरी प्रोजेक्ट जो है, तो वो सारी डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको क्लियर हो ही जाएगा. तो बस होमवर्क आपके लिए इतना रहेगा कि ना इसके साथ जुड़ी हुई जो रिवर है ना वो मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी, फिर भी आपको जाकर एक बार मैप में देखना है. ठीक है, अगला जो है वो है नेशनल पार्क पप्पीकोंडा नेशनल पार्क. एक कहाँ पड़ता है, फ्लोरा फना वेजिटेशन और एवरीथिंग जो हम जैसे नेशनल पार्क करते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव. GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, और ये ना आप प्रीलिम से भी लिंक कर सकते हो. दैट इज रिगार्डिंग इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. तो 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड. तो सारी जानकारी इसके बारे में विल टॉक अबाउट. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि जब ये आर्टिकल पे आएंगे ना तो ही इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे. फिर है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसको हम GS पेपर 2 से लिंक करेंगे. PM स्वनिधि के बारे में आपने सुना होगा तो ये कवर करेंगे. भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे. अवार्ड्स हैं, GS पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, है कि नहीं. और कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे देना. चलिए जी शुरू करते हैं फिर. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिसेंटली डेफर्ड द डिसीजन ऑन डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम काली एंड शयाद्री टाइगर रिजर्व्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट्स कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट. तो कॉन्टेक्स्ट जो है मैं आपको बताई दूंगी. बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इट इज अ प्लान बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू एड्रेस द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट. हालांकि न्यूज में बेसिकली ये है कि जो अपनी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने जो डिसीजन है ऑन यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम टाइगर रिजर्व, शयाद्री टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि मैं ये जो टाइगर रिजर्व है ना अपने यहाँ की जो फॉरेस्ट लैंड है, सो एक डिसीजन जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है ऑन यूजिंग दिस फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम दीज टाइगर रिजर्व दैट वी वर यूजिंग फॉर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो इफ द प्रोजेक्ट मूव्स फॉरवर्ड सो वट विल हैपन. प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसका पर्पज क्या है, गोल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी डिस्कशन देखते हैं. सो ये जो प्रोजेक्ट है कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है कुछ डिस्ट्रिक्ट की जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है उनको एड्रेस करने के लिए. ये प्रोजेक्ट बेसिकली इट इन्वॉल्व बिल्डिंग डैम्स, कैनाल सिस्टम्स टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम विच रिवर, महादाई रिवर इन गोवा टू मालप्रभा रिवर बेसिन इन कर्नाटका. तो पर्पस क्या है, पानी की डायवर्जन करना महादाई रिवर से मालप्रभा रिवर की ओर. ये रिवर जो है इट इज लोकेटेड इन गोवा और ये जो मालप्रभा रिवर है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर. तो मेन गोल है जो बेलगांव और धारवाड़ और ये जो जगहें हैं कर्नाटका के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की जो पीने की पानी ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है उनको पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है. सो दो द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1980s बट फिर ये पेपर पे ही रह गया बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र के बीच में कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से. नाउ एज पर द प्लान्स बैराज जो है वो आर टू बी बिल्ड अगेंस्ट कलसा एंड भंडूरी स्ट्रीम्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई एंड वाटर डाइवर्टेड टूवर्ड्स कर्नाटकास परचेड डिस्ट्रिक्ट. तो बेसिकली यही बात हो रही है जो मैं आपको बता रही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो जैसे
जो ये जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट है ना, तो कलसा और जो भंडूरी स्ट्रीम्स हैं जो कि महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर बैरियर्स कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे ताकि इन पान जो स्ट्रीम्स का जो पानी है वो आप रीडायरेक्ट कर दें कौन से एरियाज में, जो ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका की, वहां पर. तो इनिशिएटिव एड्रेस कर रहा है वो, आपको पता चल गया क्या, यूटिलाइजिंग वाटर फ्रॉम महादाई रिवर इन गोवा, राइट. ये है रिवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, महादाई रिवर की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की इसकी जो दो स्ट्रीम्स हैं उसको पानी को हम डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये है अपनी मालप्रभा रिवर, ठीक है जी. तो महादाई रिवर जो है ये आप देखो तो इट राइजेज इन वेस्टर्न घाट्स. कर्नाटका में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट से ये जो नदी है ये बहना शुरू करती है. कर्नाटका में 35 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद गोवा में एंटर कर जाती है, और 82 किलोमीटर गोवा में एंटर करती है. फिर उसके बाद इट बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी, तो उसके बाद ये मतलब गोवा कर्नाटका से शुरू होती है, और फिर इसका जो मेजर जो सेक्शन है वो गोवा के अंदर बहता है. मंडोवी रिवर भी बोलते हैं इसको गोवा के अंदर. ये रेन फेड रिवर है, ठीक है जी. ये इसकी कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. सो एक रेन फेड रिवर है, मतलब रेनफॉल पे इसका ज्यादा इट रिलाइज ऑन, एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा, ताकि दोनों स्टेट्स अपने पानी की जरूरतों को पूरा कर लें. तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड इन दिस मंडोवी रिवर, जो कि जहां पर रिच डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी इससे जुड़ी हुई है. अब इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो आप याद में रख सकते हैं. मेजर ट्रिब्यूटरीज के नाम है जैसे कलासा नाला नाला भंडूरी नाला और सुरला नाला और हल्तर नाला, तो ये महादाई नाला, ये पनशीर नाला, तो ये कुछ इसकी मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी. यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. हमने इस महादाई रिवर के बारे में पढ़ा है, मालप्रभा रिवर के बारे में आप पढ़ेंगे न्यूज में, क्यों है कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. अगले आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, राइट. न्यूज में है तो सीधा सीधा हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. न्यूज में क्यों है, कभी कभार ना ऐसा होता है कि आप न्यूज में क्यों है वो नहीं बताते. मैं जनरली मैं 99% हमेशा बताती ही हूँ, बट होता क्या है ना, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि अगर कोई एक मेल टाइगर की एंट्री पार्क में हमने देखने को मिल गई. अब यूपीएससी तो नहीं पूछेगी अच्छा मेल की एंट्री हुई है फीमेल की एंट्री हुई है ना. हमारे लिए तो मैं न्यूज में आ गया है तो अपने को तो पढ़ना है, तो अब हम सीधा उस पर चले जाते हैं कि आंध्र प्रदेश के स्टेट में आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. और ये जो पार्क है इसका एनवायरमेंटल रोल बहुत ज्यादा है. इट इज फॉर मेंटेनिंग हाई प्रेसिपिटेशन लेवल्स, और यहाँ पर आप देखोगे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्मॉल स्ट्रीम्स ऑल्सो. सो एरिया प्लेज अ की रोल इन हाई प्रेसिपिटेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट ओरिजन ऑफ बहुत सी स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है वो यहाँ से ड्रेन करती हैं. सो जो वाटर सोर्सेज हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेरिनियल रिवर गोदावरी, राइट. सो इट इज एनरिचिंग इट. तो यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ स्मॉल साइज गोट, जिनका जिसका लोकली नाम है कंचूमेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गोट की ब्रीड है ये. अगर यूपीएससी आपसे टर्म पूछ ले कि ये न्यूज में थी, और आप ऐसे हो जाए कि हमें तो नहीं पता न्यूज में थी, तो फिर कहेंगे आपने न्यूज अच्छे से पढ़ी नहीं है. तो यहाँ पर कंचूमेका टर्म जो है ये किससे जुड़ी हुई है, ये गोट की ब्रीड है और ये ओरिजिनेट करती है इसी रीजन से, राइट. ये हो गया अपना इस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ. और ये नेशनल पार्क जो है इट हैज बिन रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑल्सो बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है जी. एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ये. डेजिग्नेशन अगर मैं इसको दे दूं एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इट हाईलाइट्स कि इसका सिग्निफिकेंस कितना है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड स्पीशीज, है ना, एंड द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी एज वेल. सो आंध्र प्रदेश में है ये मेजर वाइटल एरिया है फॉर मेंटेनिंग वाटर सोर्सेज. लोकल वाइल्ड लाइफ में कंचूमेखा गोट की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है. इट इज यूनिक टू हेयर एंड इट इज रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली ऑल्सो फॉर इट्स इंपॉर्टेंस इन बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है जी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. वेजिटेशन जो है यहाँ पर आपको टीक फॉरेस्ट, ड्राई मिक्सड, डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. एंड मोस्ट एक्सटेंसिव फॉरेस्ट टाइप जो आपको देखने को मिलेगी वो है सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टाइप, ठीक है.
फ्लोरा फना की बात करें तो ये आपके कुछ प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं, एक बार आप लुक इस पे डाल सकते हो, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, सांबर और स्पॉटेड डियर, ये सारी स्पीशीज हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। ये आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेवेंथ एडिशन किसका? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। इज बीइंग हेल्ड, इट वाज हेल्ड कहाँ पर? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कब? 9 और 10 फरवरी को हुआ। इट इज बीइंग हेल्ड इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अलॉन्ग इंटरनेशनल स्टडी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर, पर्थ, यूएस एशिया सेंटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ओवरऑल बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि सेवेंथ एडिशन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का हुआ, यहाँ हुआ, और इसकी थीम क्या है? टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो जब मैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ तो पहले हम थोड़ा सा इंडियन ओशन रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको 1 मिनट दूंगी, अपना एटलेस या गूगल, वट एवर यू यूज, इंडियन ओशन रीजन की जब बात करूंगी तो खुद से देखो इंडियन ओशन रीजन कहाँ कहाँ स्पैन कर रहा है, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज पे अगर आप स्पून फीडिंग पे रिलाई करेंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। तो इंडियन ओशन रीजन का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मेक श्योर कि आप उसको मैप में लोकेट करें, अभी करें, बाद में करें, जब मर्जी करें, बट करें जरूर। सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस पढ़ जाने से बात पूरी नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए पूरा स्पैन जरूर करना है कि कहां पर कौन सी स्ट्रेट है। चलो मैं आपको दिखाती हूं, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी द स्लाइड बिकॉज ऑफ दिस इशू। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो दिस इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। शायद मैप थोड़ा छोटा पड़ रहा होगा बट स्टिल आप देख सकते हो कि जो अपना रीजन पड़ता है, इंडियन ओशन रीजन, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडियन ओशन है और सराउंडिंग रीजन्स हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज और आइलैंड्स जो हैं वो सिचुएटेड है अलोंग इट शोर। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखो इसका, अफ्रीकन कोस्ट स्पैन कर रहा है, एक तरफ अफ्रीकन कोस्ट हो गई, इधर ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट तक हो गया, अरेबियन पेनिनसुला और पर्शियन गल्फ नॉर्थ में हो गया, और साउथ में अगर देखो तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ। दिख रहा है? ठीक है जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अपना रीजन है इंडियन ओशन, इट इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशन। वास्ट एरिया कवर कर रहा है, 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्रूशियल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू सी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्यूज कैनाल, बाबल मांडेब स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ। तो वही मैं बोल रही हूँ, मैप में लोकेट करना है इसको आपको। एंड ये जो वाटरवेज हैं, दे आर कनेक्टिंग एशिया से यूरोप, अफ्रीका, तो मैरिटाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उस लिखी भी हुई है, आई शो इट टू यू, बट फिर भी बातों के तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रीजन है ना, इट इज मेजर रूट फॉर ग्लोबल ट्रेड, गुड्स की मूवमेंट, ऑयल, गैस शिपमेंट्स। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाबल मांडेब स्ट्रेट क्रूशियल है मैरीटाइम नेविगेशन के लिए, तो इसकी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली, अगर जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ से, यू विल सी दिस रीजन इज रिच इन ऑयल है, नेचुरल गैस है, फिशरीज है, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी में अगर मैं बात करूँ तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल इकोनॉमी विद 64% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस अगर आप देखो इसको, तो यहां पर अभी ये जो रीजन है ना, टेररिज्म, पायरेसी, मैरिटाइम सिक्योरिटी वाले थ्रेट से चैलेंजेस फेस कर रहा है। वेरियस कंट्रीज इन द रीजन अलॉन्ग विद मेजर पावर्स, अपना यूएस, इंडिया, चाइना, नाउ दे हैव इंक्रीज देयर मिलिट्री प्रेजेंस टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न। चाइना की एंट्री हो गई श्रीलंका वाला हम्बनटोटा पोर्ट, राइट? तो ये चीजें हो रही है यहां पर। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है,
बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट, लेकिन वल्नरेबल भी है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से. सी लेवल बढ़ रहा है, वेदर इवेंट्स और एक्सट्रीम हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस वाले थ्रेट भी फेस कर रहा है. तो अब ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे अब आपको बताने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होगा. ये एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है, जो यही सारी चीजें बताई ना, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इस रीजन की, उस पर डिस्कशन होती है. तो पॉलिसी मेकर, स्कॉलर्स, बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स सब आते हैं, इश्यूज पे डिस्कस करते हैं जो कि सिक्योरिटी, ट्रेड और कॉपरेशन से डील करता है. पहला एडिशन इसका 2016 में सिंगापुर में हुआ, सिक्स्थ एडिशन जो है वो 2023 में ढाका में हुआ, और अभी 2024 वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ. इट इज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सारा मेंशन है, दैट आई हैव डिस्कस्ड. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया इसका, वो भी आई हैव मेंशन. फैक्ट भी आई हैव अभी शेयर्ड. फिर उसके बाद इसका सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस बताया कि नहीं बताया, कि ये चैलेंजेस फेस कर रहा है टेररिज्म से, पायरेसी से, मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से, और अभी मेजर पावर्स जो हैं वो उनकी प्रेजेंस यहाँ इंक्रीज हो रही है. फिर अब एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस वो भी बता दी, मैनग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीव्स, दे आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, राइट. सो द रीजन इज वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये सारी बातें हैं. अब एड्रेस किया हमारे मिनिस्टर जयशंकर जी ने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को, सो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ इट. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हाइलाइटेड द चैलेंजेस की मैरिटाइम ट्रैफिक, पायरेसी, टेररिज्म, कंसर्न्स अबाउट इंटरनेशनल लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड सेफ गार्डिंग द सॉवरनिटी, इंडिपेंडेंस, ये सारे थ्रेट्स चल रहे हैं. ये सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट करी. फिर उसके बाद वेरियस इंटरकनेक्टेड इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, दे पोज थ्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन. कुछ क्लाइमेट चेंज से आ रही हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर से, कुछ डिस्ट्रप्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर क्राइसिस, वो कंट्रीज जो हैं उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है इस रीजन की, वो हाईलाइट किया. साथ में मिनिस्टर साहब ने और हाईलाइट किया कि अनसस्टेनेबल डेट वाला कंसर्न, अनवायबल प्रोजेक्ट्स, अनजुडिशियस चॉइसेस दैट आर अफेक्टिंग कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर highlighted, I emphasized, I would say, the challenges such as threats to maritime activities, transnational threats, concerns about these unsustainable practices. ठीक है जी, clear हो गई. So साथ ही साथ it also highlighted the conference that जो जिस तरीके से करंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, द वे ग्लोबलाइजेशन इज वर्किंग नाउ, द करंट ग्लोबलाइजेशन इट हैज सम इश्यूज. टू मच फोकस हो रहा है ऑन पुटिंग ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेसिफिक प्लेसेस विच कैन कॉज इशू. कोविड 19 पैंडेमिक ने दिखाया कि बहुत जरूरी है टू स्प्रेड आउट प्रोडक्शन टू डिफरेंट एरियाज, ताकि यू बिल्ड रिलायबल सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन हो, राइट. और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो राइज है, इट हैज मेड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी रियली इंपॉर्टेंट एज वेल. सो ये सारी बातें हुई हैं. तो अगर आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हो, तो वी नीड टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स दैट विल लीड द वे टू इट. एक तो ये कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, वी नीड टू एम्ब्रेस इट एंड वी नीड टू इम्प्रूव इट. इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द फ्यूचर. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यूजिंग ईवीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन एंड यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनर एनर्जी, मेकिंग शिपिंग मेथड्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वर हाईलाइटेड, राइट, ड्राइवर्स ऑफ द फ्यूचर. करंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो चैलेंजेस हैं वो भी बता दी, और इंडियन ओशन में ओवरऑल क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, ग्रे एरियाज क्या हैं, वो भी आई हैव शेयर्ड. आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा स्टिल, कि कोई भी कंसर्न हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगला अपना है पीएम स्वनिधि को लेके. अ स्टडी लुक्ड एट कि हाउ द स्कीम एट हाउ पीएम स्वनिधि A loan scheme for street vendors affected their income. It found that the first loan of 10,000 increased the yearly income of each beneficiary by 23,460. तो इसकी अच्छी बातें बता रहे हैं वो. हम इसकी फिर वो सारी बातें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा.
माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी डिजाइन टू हेल्प स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है ऑफ ₹10,000 विद लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ताकि वेंडर्स जो हैं उनको हेल्प किया जाए फाइनेंशियली। ठीक है जी, तो इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? एस्टैब्लिशिंग अ क्रेडिट स्कोर फॉर दी वेंडर्स। इट इज एमिंग टू क्रिएट डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इट विल हेल्प स्ट्रीट वेंडर्स टू एक्सेस द अदर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। इनफॉर्मल इकोनॉमी में फॉर्मलाइज होना, सेफ्टी नेट्स, राइट? सो ये सारी चीजें हैं। तो मेनी स्ट्रीट वेंडर्स वर्क इन इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड दे ऑफन बोरो फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स। फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो डेली वेज वर्कर्स के लिए दिक्कत हो गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स विदाउट वर्क थे, तो ये इसीलिए स्कीम की जरूरत थी, तो ये स्कीम आई। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं, नीड मैंने आपको बता दी है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एनी वेंडर हु हैज बीन सेलिंग गुड्स सिंस और बिफोर 24th of March 2020 इज एलिजिबल। इट होल्ड एंड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ऑल्सो। सो जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है ना, इट इज इश्यूड बाय टाउन वेंडिंग कमिटीज। ठीक है, सो दिस सर्टिफिकेट इज गिवन आफ्टर अ सर्वे ऑफ ऑल द वेंडर्स इन द एरियाज। नाउ एज फार एज स्कीम की परफॉर्मेंस इज कंसर्न, तो फर्स्ट टर्म लोन में अगर आप देखें तो 60 लाख के आसपास लोन डिसबर्स हुए हैं। सेकेंड टर्म लोन देखें तो 16 लाख के आसपास लोन डिसबर्स हुए हैं। फिर थर्ड टर्म लोन देखें तो 2 लाख हैव बीन डिसबर्स। तो ये उन्होंने मैंशन किया है, एक बार एक आइडिया लग जाता है, बाकी एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे भारत रत्न की, जो अभी दिए गए हैं पॉस्थमसली, जिन्हें दिया गया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन विल बी कन्फर्ड भारत रत्न। तो फिर पढ़ते हैं, चलिए जी, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। पहले भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2 जनवरी 2 जनवरी 1954 व्हेन इट वाज इंस्टीट्यूटेड। एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, और किसको दिया जाएगा वो नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। सो इट इज बेस्टोड अपॉन द इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया हो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस के अंदर, राइट? सो जो रिकमेंडेशन होती है ये दी जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर। किसको देते हैं वो? प्रेजिडेंट को देते हैं। सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज साइन बाय द प्रेजिडेंट। पीपल लीफ शीप मेडेलियन होता है, कोई मॉनिटरी ग्रांड नहीं होता है, राइट? सो भारत रत्न रिसिपियंट्स रैंक 7th इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेजिडेंट्स। कोई देर इज नो फॉर्मल प्रोविजन दैट रिसिपियंट्स ऑफ भारत रत्न शुड बी इंडियन सिटीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो मदर टेरेसा है और अब्दुल गफ्फार खान है, नेल्सन मंडेना है, मंडेला, उनको सबको ये इट हैज बिन कन्फर्ड, राइट? ऑन वन नेचुरलाइज सिटीजन, टू नॉन इंडियंस हो गए। अब्दुल गफ्फार खान बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया, लेटर वर्ड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नेल्सन मंडेला सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ऐसा नहीं है, द वन शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है? देयर इज नो फॉर्मल प्रोविजन एज सच। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 नाम अनाउंस किए हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रेज करते हुए। लेट पीवी नरसिम्हा राव की अगर मैं बात करूं तो ही वॉज एन इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन रहे हैं, 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 1991 से 1996 तक उन्होंने सर्व किया है, और लिबरल रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तभी तो हुआ था, ठीक है जी? तो ये हो गया इनके बारे में। चौधरी चरण सिंह जो है वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर रहे, 5th प्राइम मिनिस्टर रहे, इंडिया के 5th चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, ठीक है? महात्मा गांधी ही फॉलोड इन नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जेल भी गए हैं। फिर उसके बाद एम एस स्वामीनाथन की बात करूं तो ही वॉज एन इंडियन एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, राइट? एडमिनिस्ट्रेटर, ह्यूमैनिटेरियन, ग्लोबल लीडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ही हैज बीन कॉल्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो योगदान उन्होंने दिया है इन डेवलपिंग द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है जी? होमवर्क दू एम एस स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में पढ़ना, चलिए, ठीक है? तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।